सो आर यू रेडी? नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। और पहले आप ये सुनते आए थे कि मैं इस चैनल में काम करती हूँ, मैं ये शो करती हूँ। अब मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और मुझे इतनी आपने जो इज्जत बख्शी उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मैंने ये भी देखा कि जब मैं टीवी से दूर रही, जब मैंने ब्रेक लिया, तो तब मुझे सही मायने में इस बात का एहसास हुआ कि मुझे आपसे, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आपसे रेगुलर बेसिस पर संवाद करने की ज़रूरत है। और लेकिन इस बात को लेकर मेरे मन में कभी भी कोई डाउट कभी नहीं रहा कि आप मेरी ताकत हैं, आप आपकी वजह से मैं इतना मुखर तरीके से या इतना फियरलेसली जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, जो मैं किसी से भी, चाहे वो ऑन एयर हूँ या ऑफ एयर हूँ, किसी के धमकाने से डरती नहीं हूँ, किसी के डराने से डरती नहीं हूँ, और वो सवाल पूछती हूँ जो पूछे जाने चाहिए। और उसका क्रेडिट किसी अदिति त्यागी को नहीं, उसका क्रेडिट अगर किसी को सही मायने में जाता है तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि सही मायने में आप लोगों को जाता है। और जब मैं आप लोगों की बात करती हूँ तो मैं देश की बात करती हूँ, जब मैं आप लोगों की बात करती हूँ तो हमारे व्यूअर्स की बात करती हूँ। और मैं हमेशा ये मानती हूँ, मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए इस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी है। विकी बंसल कह रहे हैं आप मेरी फेवरेट दीदी हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी मेरे फेवरेट हैं, आपकी आवाज़ बुलंद है। गोविंद जी मुझसे ये कह रहे हैं, गुरु बाबारा कह रहे हैं कि अच्छा किया छोड़ दिया, सत्यम कह रहे हैं कि कैरी ऑन कीजिए मैडम, अरुण कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है। सोनिया जी कह रही हैं कि आप जब एंकरिंग करती हैं तभी न्यूज़ देखने में मज़ा आता है, थैंक यू। इसके अलावा पवन जी कह रहे हैं कि आपने जी न्यूज़ क्यों छोड़ा, बिल्कुल इसीलिए मैं आपसे इसीलिए बात कर रही हूँ। ये आप मेरी ताकत रहे, चाहे मैं कोई भी शो करती रही हूँ, चाहे मैं सवाल पूछती रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा। आज थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि हमें और आपको एक दूसरे के साथ इस तरह से डायरेक्टली कनेक्ट करने का मौका कम ही मिला। तो पहली बात, मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। संदीप भट्ट कह रहे ताल ठोक के मैं अब अच्छा नहीं लगता। और ताकेश्वर जी कह रहे हैं कि प्लीज अयोध्या, ये बिल्कुल आऊंगी, जब राम बुलाएंगे तो आऊंगी, राम की नगरी है अयोध्या, तो जरूर आऊंगी। और चलिए, जिस बात के लिए मैंने ये पूरा आपके साथ कनेक्ट करने का आज फैसला किया, उसके पीछे जो वजह है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अदिति त्यागी एक बहुत ही साधारण से परिवार से आती है। वेस्टर्न यूपी में एक गांव है मुरादनगर के पास, अदिति त्यागी वहां से आती है। और एक आम व्यक्ति की जिंदगी में जो संघर्ष होता है, जो चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, वो अदिति त्यागी ने भी देखी है, अदिति त्यागी ने अपने आसपास भी देखी है, और अदिति त्यागी ने उन चैलेंजेस को फेस किया है। तो मैं हमेशा ये मानती हूँ, जब मुझसे इंस्पिरेशन की बात की जाती है, मेरी प्रेरणा की बात की जाती है, तो मेरे लिए प्रेरणा हमेशा से आम व्यक्ति रहा है। वो जिस भी तरीके से, हाजी रिजवान जी आप अगर मुझे सुन पा रहे होते तो सर ये ना लिखते जो आप लिख रहे हैं। सर भाषा, आप मुझसे डिसएग्री कीजिए, लेकिन ना तो मैं खुद सर्टिफिकेट देती हूँ और ना ही मैं दूसरों को खुद को सर्टिफिकेट देने देती हूँ। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैं जनता की अदालत में अपनी पेशी देती हूँ। और अगर आप मुझे सुनेंगे, और ये मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ जो शायद अपने कमेंट्स लिख देते हैं मुझे सुने बिना, आप जो मैं कह रही हूँ उस पर आप मुझसे वाद विवाद कर सकते हैं, इस बात को मैंने हमेशा कहा है। इसके लिए आपको अब शब्दों के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तर्कों से आप मुझे जवाब दे सकते हैं तो मुझे तर्कों से जवाब दीजिए। और मैं ये वादा करती हूं, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म से डरती नहीं, मैंने पहले भी कहा कि आप ही मेरी ताकत है, मैं क्रिटिसिज्म से नहीं डरती, मैं आलोचना से नहीं डरती, मैं किसी के डराने से भी नहीं डरती, मुझे कोई धमका नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ आप हैं। तो ये अदिति त्यागी बहुत ही साधारण फैमिली से, वेस्टर्न यूपी में एक गांव, वहां से ताल्लुक रखती है और आपके सामने आई।
जिस जैसे भी आपने अदिति त्यागी को देखा, सराहा, अप्रिशिएट किया, आप में से कई लोगों को लगा कि मैं आपकी आवाज बनी, और मेरी कोशिश भी यही रही कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी की आवाज बनूं तो अपने दर्शकों की आवाज बनूं, उन्हें ये लगना चाहिए जो मुझे देख रहे हैं, दे विल ऑलवेज बी हेटर्स, आई नो, थैंक यू सो मच, आपका नाम मैंने मिस कर दिया है, बट आई कंप्लीटली अग्री विद यू ऑन दैट, दे विल ऑलवेज बी हेटर्स एंड दे विल ऑलवेज बी सपोर्टर्स लाइक यू, इसीलिए आपके बीच आई हूं। तो जो चैलेंजेस का सामना करते हैं उन्हें चैलेंजेस से डर नहीं लगता, और यही वजह रही कि मुझे फ्रेश चैलेंज चाहिए था। आपने अगर मेरे शोज लगातार देखे हो तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहती हूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं, 477 दिन नॉनस्टॉप मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली है, हम और आप 477 डेज, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, रेगुलर डिबेट शो में मैं रोज आपसे मिली, 17 सितंबर 2021 से लेकर 7 जनवरी 2023 हर रोज मैं आपके सामने आई, आपने मेरी आलोचना भी की, आपने मेरी सराहना भी की, आपने मुझे काफी कुछ सिखाया भी, और मैं अगर किसी से डरती हूं तो मैं सिर्फ आपसे डरती हूं, किसी और से नहीं डरती हूं, क्योंकि मेरी अदालत आप हैं। शोज में भी कहती हूं, अब भी आपसे यही कह रही हूं। तो जो अदिति त्यागी है वो चैलेंजेस में यकीन रखती है। आप में से शायद ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैंने जी न्यूज क्यों छोड़ दिया। तो मैंने जब मुझे ताल ठोक के शो मिला था 17 सितंबर 2021 को, उस शो की जो टीआरपी मेरी आप है, मैं टीआरपी के नंबर्स में कभी यकीन नहीं रखती, लेकिन जस्ट टू स्टेट सम फैक्ट्स, आप लोगों की वजह से जो नंबर 7 का शो था वो टॉप शो बना। तो मुझे नंबर 7 का शो मिला था ताल ठोक के, 17 सितंबर 2021 की बात कर रही हूं। और उसके बाद आपके प्यार ने, आपके सहयोग ने, आपके सवालों ने, आपके साथ ने मुझे और मेरे शो को आगे बढ़ाया। तो मुझे पता है इसमें अदिति त्यागी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें चैनल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इंपॉर्टेंट हैं। आप तय करते हैं कि किसे बनाना है, किसके शोज को देखना है, किसे आगे ले जाना है और कैसे उसकी बात करनी है। तो मैंने भारत एक्सप्रेस ज्वाइन किया क्योंकि मुझे फ्रेश चैलेंज की तलाश थी। जरा सोचिए, अगर अदिति त्यागी को सिर्फ इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वो एक चैनल पर आती है, फिर वो चैनल कोई भी हो सकता है, वो आप जी न्यूज पर मैं अगर आती हूं और आप मुझे सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं जी न्यूज पर आती हूं, तो फिर आप अदिति त्यागी को नहीं देखते, फिर आप चैनल देखते हैं। लेकिन अगर आप अदिति त्यागी को देखते हैं तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि अदिति त्यागी कहां आती है, क्योंकि आप अदिति त्यागी को देखना चाहते हैं। और ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं लगातार चैलेंजेस लेने में यकीन रखती हूं, चाहे वो सितंबर 2021 में ताल ठोक के शो करना एक्सेप्ट करना हो और फिर 477 डेज 477 दिन नॉनस्टॉप उस शो को करना हो, जिसमें कई दिन ऐसे भी आए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे जब ये शो मिला था तो मुझे सीवियर कोविड हुआ था, मुझे अप्रैल के महीने में साल 2021 में कोविड हुआ था, मैं हॉस्पिटल में रही थी। तो उसके बाद मेरे लिए इस तरह से 477 दिन नॉनस्टॉप काम करना, अपने आप में मैं खुद को साबित करना चाहती थी, मुझे किसी को ऑफिस में साबित नहीं करना था, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, अदिति को खुद को साबित करना था कि अदिति अब भी अपनी लिमिट्स जो है उन्हें पुश कर सकती है, और इसीलिए मैंने किया। शक्ति शर्मा जी थैंक यू सो मच, और इंद्रजीत जी अब कुछ नया ढूंढ के लाइए, अब ये गोदी मीडिया जो है पुराना हो चुका है, और मैं तो बार बार कहती हूं ना मैं गोदी मीडिया हूं, ध्यान से सुनिएगा, ना मैं गोदी मीडिया हूं स्पंकी हासू, और ना ही मैं रबिश मीडिया हूं। जो मुझे सुनना चाहते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो जानते हैं मैं रियल मीडिया हूं। सो थैंक यू, ये आपके सवाल का जवाब देने के लिए था। तो 477 दिन नॉनस्टॉप का चैलेंज मैंने लिया था, तब भी मैं नहीं डरी क्योंकि मुझे पता था आप मेरा साथ देंगे। एक फ्रेश एक चैनल जो लॉन्च होना है, एक नेटवर्क, मैं उसे लेना चाहती थी, एक्सेप्ट करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूं कि अदिति त्यागी क्या कर सकती है, अदिति त्यागी के लिमिट्स क्या हैं। और ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है इसलिए नहीं कि मैं अदिति त्यागी हूं, ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है
कि आप यानी हमारे व्यूअर्स यानी आप जो मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से इस वक्त जुड़े हुए हैं या आप जो मुझे टीवी पर देखेंगे 1 तारीख से, और आप मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने इस बात को बार बार कहा है और मैं ये पूरा दिल से मानती हूँ, ये मेरा यकीन है कि मैं जहां भी जाऊंगी आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका साथ मुझे मिलेगा। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका भरोसा, आपका विश्वास कभी तोड़ूंगी नहीं, और चाहे कितनी चुनौतियां क्यों ना आए, आपके जो सवाल हैं, आप जिस तेवर के साथ मुझे देखना चाहते हैं, जिस एग्रेशन के साथ मुझे देखना चाहते हैं, मैं उसी एग्रेशन के साथ वापस आ रही हूँ। भारत एक्सप्रेस पर आ रही हूँ, नया चैनल है, लॉन्च होने जा रहा है 1 तारीख को, और जैसे कि आप मुझे पहले 5 बजे देखते थे और रात को 8 बजे देखते थे, अब भी आप मुझे शाम के 5 और रात के 8 बजे देखेंगे, डिबेट करते हुए देखेंगे, सवाल पूछते हुए देखेंगे, आपकी बात उठाते हुए देखेंगे, और उन्हीं तेवरों के साथ देखेंगे। और अपने आप में ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं खुद को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाने देती, क्योंकि पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, मैं करीब 2.5 साल विदेश में रही हूं, जिसमें से मैंने पेरिस में यूएन एजेंसी यूनेस्को है उसके हेडक्वार्टर्स में काम किया है पेरिस में, उसके अलावा मैं लॉजान में रही हूं जिसे कि ओलंपिक कैपिटल कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में है। लेकिन जब मैं वहां पर, जिंदगी काफी कंफर्टेबल थी और मैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की तरह वहां पे अच्छा काम कर रही थी, कम से कम वहां पे जो मेरे मैनेजर्स थे वो ये कह रहे थे, और जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, तब भी 2018 में मैंने वापस आने का फैसला लिया था। और क्योंकि कंफर्ट जोन में मैं जाती नहीं, और एक बार फिर से मैंने एक ऐसा ही डिसीजन लिया जैसे सितंबर 2021 में लिया कि मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करूंगी, वैसे ही एक बार फिर से ये फ्रेश चैलेंजेस हैं। और क्योंकि ये जो यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात होती है, जब एक नई जगह होती है तो क्रिएटिविटी की बात होती है, वहां पर आप क्या नया कर सकते हैं, आप क्या चीजों में बदलाव ला सकते हैं, क्या आप चीजों को बदल सकते हैं, क्या आप दर्शकों के सामने कुछ नए पहलू उठाकर ला सकते हैं, ये वजह रही है सही मायने में मेरे लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैंने भारत एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, मेरे 2 शो होंगे, एक होगा शाम को 5 बजे अदिति की अदालत, और एक शो होगा रात 8 बजे साहस, जिसमें कि हम साहस के साथ आपके सवाल उठाएंगे। और परमानंद जी कह रहे हैं अदिति त्यागी जी पुनः तैयार हो जाइए, बिल्कुल मैं तैयार हूं कि आप तैयार हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपके साथ के बिना ये जर्नी मुमकिन नहीं है, तो इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ मेरे साथ लगातार बना रहेगा, हम और आप अब इस एक और वादा मैं आपसे करना चाहती हूँ कि हम और आप अब पहले के मुकाबले और ज्यादा संवाद करेंगे, और ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, आपके जो सवाल हों आप मुझ तक लगातार पहुंचाते रहिए। मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका लिंक जो है मेरे इंस्टाग्राम बायो, और उसके बाद अलावा जो फेसबुक के रील्स हैं उनमें भी डाला है, तो यूट्यूब चैनल जो है उसके माध्यम से भी आप मेरे साथ और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने आपके साथ जो कम्युनिकेशन के, बातचीत के जो तमाम चैनल्स हैं वो तमाम चैनल्स खोले हैं, और पहले की तरह, हर बार की तरह, जैसे कि चुनौतियां आती रही हैं, मैं भी चुनौतियों के लिए तैयार हूं, और उम्मीद है आप भी मेरे साथ उन चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस दिखाएंगे, साहस के साथ जुड़ेंगे, अदिति त्यागी के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, हम बातचीत हमारी अब होती रहेगी, अब ये 2-वे ट्रैफिक रहेगा,